मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीना में लाडली बहना योजना के तहत सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहनाओं के खाते में 1574 करोड़ की राशि का ट्रांसफर किया और इसके साथ ही सीएम ने 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को भी करोड़ों रुपए की सौगात दी। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि सागर क्षेत्र में विकास की बयार बहेगी, एमपी देश का नंबर वन राज्य बनेगा, पूरे प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस ने विकास कार्य नहीं किए। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बिना बीना के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बीना का जो आनंद है वो बीना में ही मिलेगा। हिंदी की जब डिक्शनरी बन रही होगी, हिंदी के जब शब्द जुड़ रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि बीना का क्या विकल्प हो सकता है। तो मुझे लगता है बीना का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए यहाँ इस बुंदेलखंड में तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कमाल कर दिया। बुंदेलखंड वर्षों से अपनी वीरता के लिए, अपनी धीरता के लिए, अपनी कर्मठता के लिए, अपनी योजकता के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, पराक्रम के लिए आगे दुनिया में हर बार जानता था। लेकिन जो गर्दन हाथ पे लेके आगे बढ़ने वाले आला उदल के बुंदेलों की जय जयकार करने वाली धरती, आपको दो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। क्या लिखा है आला उदल, एक को मारो दो मर जाए, तीजो धसे खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकार। मार हो तो कैसी मार हो, मरने वाला तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन जीते जी भी मरने वालों को लपेट के अपनी जान बचाने की भीख मांगे, वो वीर बुंदेलों की धरती है, ये आनंद की धरती है। ये एहसास कराती है कि जीवन में परमात्मा ने एक बार जन्म दिया है तो जन्म तो परमात्मा देता है, लेकिन पराक्रम पुरुषार्थ से जीने का मादा व्यक्ति खुद हासिल करता है। और कोई सोने चांदी, कोई लोभ लालच, कोई तमाम प्रकार के आकर्षण, इसके बिना भी अगर लड़ने की कोई इच्छा रखता है तो ये बीना वाले ही कर सकते हैं। हम सबका सौभाग्य है। मैं आनंद के साथ देख रहा हूं, परमात्मा की दया से नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा नदी पूरे बुंदेलखंड के लिए, आप यहां से लेके वहां तक 1 लाख करोड़ की योजना है, पूरा क्षेत्र आनंद में डूबेगा। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के लिए। पूरा ये क्षेत्र कितना बड़ा, यहां से लेके आगे तक का, लखन भाई आप तक का, दमोह से आगे निकल जाए। लगातार कोई क्षेत्र हमारे, अपने लखन भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ, इनने मांगा कि हमारे क्षेत्र में भी वो गांव छूट रहे हैं, वहीं से घोषणा कर दी। और यहां भी चिंता मत करो, मुझे बताया गया 129 गांव बीना नदी परियोजना से छूट रहे थे, उनको सबको भी जोड़ा जाएगा, कोई नहीं छोड़ने वाले हैं। और आप तो और आगे निकल गए, पानी के आधार पर खेती की फसल से जीवन में ये हमारा सबका दिन बदलेगा, आप और आगे बढ़ गए। आप तो बीना रिफाइनरी लिया है मोदी जी के माध्यम से, आपसे बढ़कर भाग्यशाली कौन हो सकता है बीना वाले के लिए। इतना जबरदस्त भाग्य, 50,000 करोड़ का निवेश, और वो अकेला नहीं है, इसके बाद तो सिलसिला चालू होगा सच्चे अर्थ में। तो अभी तो ये शुरुआत हुई है, जिस प्रकार से विकास की बातें आई है, आपके ये सारे ज्ञापन धरे रह जाएंगे। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जैसे समय बदला है, हमको अपनी जीवन शैली भी बदलने की जरूरत है। हमारे अपने संसाधन को भी देख करके अपने घर का प्लान बनाने की जरूरत है। विकास के मामले में हमारा मध्य प्रदेश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इंच माद भी पीछे रहने वाला नहीं, पूरे देश का नंबर वन राज्य बनेगा, पूरे देश का नंबर वन राज्य बनेगा। इसलिए विकास के लिए हमारे पिछले 20 साल की सरकार ने जो नींव भरने का काम किया है,
विकास के मामले में 2003 के पहले का मध्य प्रदेश लगभग 65-70 साल तक मध्य प्रदेश के जो चित्र बनना चाहिए था, दुर्भाग्य से पटवाजी की और हमारी सकलेचा जी की सरकार को पूरा समय नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस को पूरा समय मिला। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने केवल अपनी सरकार बनाने का एकमात्र एक रास्ते पे चले। इसलिए मध्य प्रदेश में सभी प्रकार की अनुकूलता थी, सभी प्रकार की सुविधाएं थी।